नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पेट्रोल बंदी से लोगों की बड़ी परेशानी, बस स्टैंड से चलेगी निजी बसें, कहीं धूप तो कहीं छाए रहे बादल। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पेट्रोल बंदी से लोगों की बड़ी परेशानी, लॉकडाउन में कड़े नियम लागू किए गए हैं। एक महीने में 3 बार सख्त नियम लगाए गए हैं जो 1 जून तक लागू किए गए हैं। फिर से समय सीमा बढ़ाने की संभावना होने की बताई जा रही है। सख्त नियमों के लागू रहते नागरिकों को प्रशासन ने अस्पताल, मेडिकल स्टोर, बैंक, ATM, कोविड टीकाकरण के लिए वैक्सीनेशन सेंटर जाने की छूट दी है। वहीं दूसरी ओर आम लोगों के लिए पेट्रोल पंप के दरवाजे बंद करके रखे हैं। पहले ही किराना और सब्जी की किल्लत झेल रहे लोगों की पेट्रोल बंदी के कारण मुश्किलें बढ़ी है। घर में गाड़ी है लेकिन पेट्रोल पंप बंद रहने से अत्यावश्यक कामों के लिए जाना भी संभव नहीं हो पा रहा है। ऑटो रिक्शा भी बंद रहने के कारण बहुत सी कठिनाइयों का सामना नागरिकों को करना पड़ रहा है। बच्चों तथा बुजुर्गों को अस्पताल ले जाने के लिए वाहन ही उपलब्ध न होने के कारण बीमारी अधिक गंभीर होने का खतरा मंडरा रहा है। घर खर्च की व्यवस्था में रकम की निकासी के लिए बैंक ATM जाना बेहद जरूरी कामों में से एक है। मात्र वाहन में पेट्रोल न होने के कारण कई लोगों को पैदल ही आना जाना करना पड़ रहा है। तो वही दूसरी ओर बस स्टैंड से चलेगी निजी बसें। ST महामंडल के निर्णय से कर्मियों में मचा हड़कंप। इस दौरान निजी बस किराए पर चलाने के लिए ली जाएंगी। पुरानी हो चुकी बसों का रूपांतर माल की ढुलाई के लिए करने का निर्णय ST महामंडल ने लिया है। इस दौरान निजी बसें किराए पर चलाने के लिए ली जाएंगी, जिसके तहत निजी बसों को मेंटेनेंस के लिए जगह उपलब्ध कराने का आदेश राज्य के कुछ डिपो को प्राप्त हुआ है। हालांकि अब तक वर्धा जिले के किसी भी डिपो में यह आदेश अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। वही आगामी कुछ दिनों में ये आदेश मिलने की संभावना को लेकर ST कर्मियों में हड़कंप मच गया है। जिले में ST महामंडल 4 विभागों में विभाजित है। इसमें वर्धा, हिंगनघाट, पुलगांव एवं आरवी तलेगांव डिपो के अंतर्गत कार्यरत हजारों चालक वाहन समेत विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कर्मचारी नियुक्त हैं। इसे लेकर संदेह बना रहता है, अगर निजी बसें किराए पर चलाई गई तो ST की आय घटेगी और समस्या में इजाफा होने की बात कर्मियों ने कही है। तो वही तीसरी ओर, कहीं धूप तो कहीं छाए रहे बादल। मंगलवार की सुबह कुछ जगहों पर बादल छाए रहे तो 10 बजे के बाद तेज धूप रही। इस दौरान बादलों की लुका छुपी के चलते कहीं धूप तो कहीं बादल दिन भर छाए दिखाई दिए। शाम को जिले के कुछ जगहों पर बदरीले मौसम के साथ ही तेज हवाएं चलना शुरू हो गई थी। मौसम विभाग की ओर से आगामी दिनों से बारिश की संभावना जताई जा रही है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS सिंधी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।